लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर जो पत्थर पड़ा हुआ था वो रिमूव करके दिखाया था। इसमें दो लेयर है, एक लेयर कंप्लीट लेयर है और दूसरी लेयर में मैंने पत्थर को छुपाया था पानी से। तो इस तरीके का विदाउट पत्थर ये लेयर मैंने तैयार कर दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये नदी जो बह रही है इसी का ही बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे इन दोनों को पहले कंपोजिशन बनाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट सी, इसका नाम डालना बहुत जरूरी है। रिवर डाल दिया है और कोई भी कंपोजिशन आप बनाते हैं, प्री कॉम्प बोलते हैं जिसको, तो उसका नाम डालना जरूरी रहता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट नाम जो लेता है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए नाम डालना बेहद जरूरी होता है। मैं अभी थोड़ा सा स्केल किया है इसको, मतलब स्क्रॉल से स्केल किया है। यहाँ से फुल से देखता हूँ तो ये थोड़ा सा क्लियर दिखता है। अब मैं इसमें पेन टूल चलाऊंगा, नदी नदी में सिर्फ इस तरीके से थोड़ा आड़ा तिरछा भी रहेगा तो चलेगा। और एग्जैक्ट काटना इतना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा फील होना चाहिए कि नदी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ बह रही है। इस तरीके से ये कटिंग कर रहा हूँ और पत्थरों की भी कटिंग कर लेता हूँ। इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये मैंने कटिंग कर ली है और रिवर ही रिवर रह गई है अभी। और फेदर कितना डालना है ये बैकग्राउंड डालने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये वाला बैकग्राउंड ले रहा हूँ मैं, कोई भी ले सकते हैं। मुझे ये दिखा तो ये ले लिया मैंने। ये बैकग्राउंड समझ में आया आपको? ये बैकग्राउंड मैंने इंपोर्ट किया, खींच करके इसके नीचे डाला। अगर मैं इसको इसके ऊपर डालता सिर्फ बैकग्राउंड ही दिखाई देता। मैं इसके नीचे डाल रहा हूँ, नीचे डाला मैंने और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। बहुत बड़ा है ये, फ्रेम साइज जितना रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊंचा रख लेता हूँ मैं इस तरीके से। जैसा भी जमता है वैसा कर लीजिए। तो ये हो गया है। अब मैं कलर करेक्शन करता हूँ थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में। इसमें कलर लिखता हूँ, कलर बैलेंस, कलर बैलेंस, ये रहा कलर बैलेंस। इसमें मुझे थोड़ा सा ब्लू बढ़ाना है पीछे वाले बैकग्राउंड में जो कि सिलेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लू है, ये रहा शेडो ब्लू है, मिड टोन ब्लू है, तो मैं मिड टोन ब्लू बढ़ाऊंगा इस तरीके से। हल्का सा ब्लू स्टोन आ गया, मैं हल्का सा रेड और बढ़ाऊंगा इसमें, रेड मिड टोन रेड, और शेडो ब्लू बढ़ा दूंगा इस तरीके से। अब मैं इसको रेंडर चेक करता हूँ तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, हल्की सी बॉर्डर सी दिख रही है, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस तरीके से। लिया अभी रिवर का फेदर मुझे बढ़ाना है, रिवर का फेदर 10 कर दिया और या फिर 25 किया, 50 किया। तो ये 50 करने के बाद में कुछ मिक्स हो गई है, तो अभी मैं इसी को ही प्ले करके देख लेता हूँ। जीरो प्रेस करता हूँ मैं, या जो इसकी क्वालिटी है वो मैं हाफ कर लेता हूँ और 100 फ्रेम्स का रेंडर रख रहा हूँ मैं। 100 फ्रेम्स में भी समझ में आ जाएगा, जीरो प्रेस कर रहा हूँ। स्क्रॉल से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ब्लैक कुछ आया था वो अभी देखेंगे क्या कारण से आया था।
फिर से जीरो दबाता हूँ, और ये जो ब्लैक आ रहा है ये किस चीज़ का ब्लैक आ रहा है पहले उससे सॉल्व करता हूँ मैं। ये जो रिवर है रिवर को मैं थोड़ा सा और अंदर कर देता हूँ, शायद से फर्स्ट फ्रेम इसका ब्लैक आ रहा होगा। मैं हाँ ये यहाँ पर कुछ ब्लैक आ रहा है, रिवर में भी ब्लैक आ रहा है। मैं रिवर को कट कर लेता हूँ, इतना पेज अप करता हूँ तो यहाँ पर है। मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करता हूँ, और ये कुछ इसी का ही मतलब कैम्प्टेस ये जो चला रहा हूँ उसी का ही शॉर्टकट आ गया था। तो इतना इतना मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट, और आगे इसको बढ़ाता हूँ और ऑल्ट ब्रैकेट ओपन दबा देता हूँ, और यहाँ पर बैक आता हूँ यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज ऑल्ट ब्रैकेट क्लोज दबा देता हूँ, और इसको मैं ब्रैकेट से दबाकर यहाँ पर ले आता हूँ। ये अभी आपको सिर्फ आप सुनकर समझ लीजिए प्रॉपर क्या है, वो आगे जाकर आपको शॉर्टकट क्या है वो मैं बता दूंगा। अभी भी थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कोई भी जो लेयर है लेयर को हमें कट करना होता है, जैसे कि मुझे इसके आगे का पार्ट, मुझे इसके आगे का पार्ट नहीं चाहिए, बाद का पार्ट नहीं चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस करूंगा मैं ऑल्ट, और ये जो ब्रैकेट क्लोज होता है बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है जो वो बड़ा वाला ब्रैकेट का ऑल्ट दबाकर बड़ा ब्रैकेट क्लोज जो होता है मैं उसको दबा दूंगा, तो लास्ट की सारी लेयर जीरो हो जाएगी, कट हो जाएगी। मैं अंडू करता हूँ, अब मुझे आगे की सारी लेयर लेयर का आगे का सारे का सारा पार्ट मुझे रिमूव करना है, तो ऑल्ट प्रेस करूंगा, बड़ा वाला ब्रैकेट जो स्टार्ट होता है वो मैं प्रेस कर दूंगा, तो सारा हिस्सा कट हो जाएगा। तो मैंने इतना आपको समझा दिया है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या दबाया, अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं जीरो प्रेस करके रेंडर चेक करता हूँ, तो इस तरीके से ये रिवर का बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और कुछ झटका सा आ रहा है ये और मैं चेक कर लेता हूँ, ये ओरिजिनल में ही कुछ गड़बड़ होगी, ओरिजिनल जो फुटेज है उसी में ही कुछ गड़बड़ होगी। मैं ये वाला पार्ट ही डिलीट कर देता हूँ, आगे का पीछे का पार्ट भी थोड़ा सा रख लेता हूँ। अब जा करके शायद सही होगा, मैं जीरो प्रेस करता हूँ, तो बराबर आ रहा है अभी। तो इस तरीके से नॉर्मली था, नॉर्मल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल था बैकग्राउंड चेंज करना और इजी था। तो आप शुरू में इसमें की काम कीजिए, अभी इसमें की प्रैक्टिस कीजिए, एडवांस तो आने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।